बहुत सारी जो आप चीज़ें लाना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो ला चुके हैं और भी बहुत कुछ जो करना चाहते हैं, उसमें एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे छात्रों में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बस डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, तो एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आज की ज़रूरत भी है। देखिए मैं, हम लोग बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है और नॉर्मली हम भी जो डिग्री दे रहे हैं, जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में भी जो बी एन मंडल से इनहाइट किए हैं हम लोग, तो ज़्यादातर बच्चे बी ए बी एस सी और बी कॉम में हैं और वो लीड करता है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलाता है, बच्चे कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ स्किल कोर्सेज ऑफर होने चाहिए और यूजीसी भी इसको इनक्रेज कर रही है। और ये कोर्सेज मतलब जैसे कि आप बीए कर रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज कोई फ्रेंच का, कोई फॉरेन लैंग्वेज कर लें, आप भी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कर लें, आप कैसे स्टार्टअप लगा सकते हैं, अपना स्टार्टअप, हम लोग इनोवेशन सेंटर और स्टार्टअप भी स्टार्ट कर रहे हैं जी। इसी तरह से कोशिश की ज़रूरत है, उसको एनरिच करने की ज़रूरत है। और ये सब हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियन से भी इसकी डिमांड आई है कि आप ऐसे कोर्सेज स्टार्ट करिए जिसमें आप जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट मिले आपको, ये नहीं हो कि आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूर्णिया विश्वविद्यालय नए विश्वविद्यालय में पहला विश्वविद्यालय जिसने स्टूडेंट इलेक्शन कराया। हमारी जो स्टूडेंट यूनियन लीडर भी एक महिला है, नुपुर है, और तो ये मैं चाहूँगा इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी कोशिश है पूर्णिया विश्वविद्यालय एक आइडियल विश्वविद्यालय बने बिहार का, और उसमें कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएं, पढ़ें और उन फैसिलिटीज़ को देखें और उनको आने के बाद वहाँ अच्छा लगे, और कैसे उनको वहाँ आने के बाद कंफर्टेबल और अच्छा महसूस हो, वो एक चैलेंज है। उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 9 महीने हुए हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय को बने हुए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक अच्छा वातावरण स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे। और साथ ही साथ जो वो चाहते हैं, जिस जॉब को चाहते हैं, जिस पद को चाहते हैं, वो भी उनको मिल पाए। जी। तो राजेश, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।